एकेएम शाफ्ट लग चुका है, इधर से डाला जाता है एकेएम शाफ्ट। रोकर लग रहा है, अब देखिए किस तरह से लगता है। जैसे मिला रखने के वैसे रोकर का पिन डालना पड़ता है इधर से थोड़ा थोड़ा। नहीं जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा टकटक हो गए, थोड़ा थोड़ा ठोक कर बैठा देना, अंदर चला जाएगा। चेक कर लेना पूरा ही अंदर गया है कि नहीं, इस तरह से चेक करना पड़ता है। साउंड से भी पता चल जाता है भाई।
बोल कर शूटिंग नहीं करते हैं और सारा मैं ही बोल देता हूँ। शर्म लगता है भाई तुम लोग सबको। सेट हो चुका है, एक बार चेक कर लेना क्या है, ठीक से हुआ है कि नहीं, बैठा है कि नहीं। थोड़ा थोड़ा ठोकते वक्त वो साउंड से भी पता चल जाता है कैसा साउंड आता है। ये हेड पूरी तरह से फिटिंग हो गया है, अब आगे दिखाता हूँ कैसे करता है। ये हेड है, इससे इधर पिन लगता है, रोकर पिन, ये रोकर हो गया। इधर से एक एम शाफ्ट लगता है, इस साइड से एक एम शाफ्ट है, और आगे दिखाता हूँ। टॉप वन लिखा होता है, टॉप वन टॉप टू यहाँ पर लिखा होता है, टॉप वन टॉप टू। ये टॉप टू में डालना पड़ता है, ऐसे करके लगाना पड़ता है रिंग को, ताकि ना घूमे ना बिगड़े रिंग। रिंग लगाने का तरीका यही है। और पिस्टन का टॉप साइड ये होता है और डाउन साइड वो पीछे का। रिंग पर सभी इन्फॉर्मेशन उधर लिखा होता है, टॉप वन टॉप टू। मोबिल रिंग, मोबिल रिंग का नीचे का भाग, ऊपर का भाग इधर रखना पड़ता है। इनलेट टॉप टू इधर, ऑयल स्पेंडर रिंग इधर एम बनाना पड़ता है, और एक टो इधर ऑयल स्पेंडर रिंग डालना पड़ता है, एक टो इधर ऐसे करके नक डालना पड़ता है। देख सकते हो कैसे करके थोड़ा सा वो एक साइड का लगाकर एंगल मिलाकर ये फिट हो चुका। अब इसके बाद गैसकेट और डालकर ब्लॉक डालना पड़ेगा। देख सकते हो गैसकेट कैसा कैसे फिट करता है। ये ब्लॉक का नीचे का गैसकेट है, ऐसे करके गैस की फिट हो रहा है। तत्काल में इसका इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इसको ये गियर सिलेक्टर बोलता है, ये छोटा सा भाग को। ये गियर शाफ्ट हो गया, ये गियर चेंजर हो गया, चेंजर भी बोलता है, शाफ्ट भी इसको सिलेक्टर कहता है। यहाँ हाउसिंग क्लच असेंबली लग जाता है, और ये ऑयल पंप हो गया इसका। ऑयल पूरा इंजन पर पास करने के लिए होता है ये ऑयल पंप, इतना है, ज्यादा कुछ होता नहीं है। एक एक शाफ्ट हो गया किक के लिए।
इतना है, आप देख सकते हो ब्लॉक तैयारी हो रहा है। नीचे एक ठो बुश था, ये छोटा सा एक ओरिंग होता है, इधर डालना पड़ता है। इधर ये ब्लॉक का गैस कितना आप क्लियरली देख सकते हो, इधर होता है ये ब्लैक कलर का, इसे डालकर ये गैस किट में, गैस किट का भाग है, ये गैस किट में ही आता है। तल हेर त बारीक बारीक थोड़ा थोड़ा डालना पड़ता है, पाले पिलो रिंग कर, रिंग का पालो पिलो करके ऐसे करके छिलाना पड़ता है। पहला थोड़ा टॉप वन टॉप टू छिलाना, तलामाथि भइसकेको छ, पख भाइ पख पख पख, इधर अडक अडक गया है, नहीं होगा नहीं होगा नहीं आएगा, चेन को ठेलो इधर, अब आ जाएगा। वो एक रोलर इसमें लगता है ब्लॉक का अंदर, केम चेन का वो केम चेन का लाइन में चलने के लिए वो रोलर दिया होता है इसमें हीरो होंडा में। दूसरा बाइक में ये नहीं होता है, गाइड होता है, पर ये बाइक पर ये दो रोलर दिया जाता है, इधर और एक रोलर इधर, केम चेन का सेट पर ही होता है ये तीन ठो, और केम शाफ्ट पर भी, केम शाफ्ट भी होता है इसका, केम चेन सेट पर ही दिया होता है। केम शाफ्ट क्या ठीक ही है भाई, केम शाफ्ट क्या ठीक है, शाफ्ट का वो स्पोकेट पुराना नयाँमा आउँछ तर पुरानो ठिकै छ, पुरानो हेर्ने नि कुन कम्पनीको छ, राम्रो खालको छ भने पुरानै हाल्ने, कम्पनी का ही है तो पुराना ही डाल दो, नहीं तो वो रोलन का होगा। कम्पनी का ही है, गाह्रो हुँदैन छुट्याउनु, कम्पनीमै ऐसा ही डट दिया होता है दूर, और कुछ भी नहीं लिखा होता है, और दूसरा लोकल लोकल बाहर का हुन्छ, कम्पनी का नाम लिखा होता है इधर, रोलन रोलन होता है जिस कम्पनी का डायमंड या साइन दिया होता है, यही है
ठीक छ नि त त्यो हैन त्यो कम्पनीको हो त्यही भएर यो दाजु आउन सक्छ भनेर त्यो राखे आउँदा हुन्छ भाग में भी था भूस डाल दिया भाई भूस जो तो उधर भी भूस था ये थोड़ा सा वाशर गैस किट में दिया होता है वो उधर लगाना पड़ता है देख सकते हो ऐसे तरह से इधर लगाना पड़ता है ऐसे करके अच्छा तरह से टाइट कर लेना चाहिए नहीं तो मोबिल लीक हो जाएगा देख सकते हो एग्जॉस्ट वाल्व है एक रिंग डालकर इस तरह से टाइट करना होगा आप लोग को इसी संबंधी कुछ आपको कुछ लग रहा है कुछ दिखाना पड़ेगा हमको कुछ सीखना चाहते हो कुछ नहीं आता है कुछ आपको लगता है इस टॉपिक पर बनाइए आप बोल सकते हो हम उसका डिटेल्स वीडियो कैसे ठीक करता है कैसे बनाता है एडजस्ट करने के लिए क्या कैसे सब डिटेल्स पर हम आपको समझा देंगे My friends, if you want to if you want to learn anything in any topic you can comment below or ask me or comment below I will definitely upload that topic videos anything you want you can ask me everything we will teach you how to fit and adjust any bike engines or any problem
If your bike has any problem, you can comment down below. किसी तरह का प्रॉब्लम और कुछ भी आप लोग सीखने चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो. आज ये हो गया. टुमारो I will bring a new videos to you of Avenger bikes 220cc engine of Avenger Bajaj Avengers. आज ये हो गया. टाइमिंग पर लाकर देखो एक बार कैसा होता है. टाइमिंग में है नहीं? नहीं टाइमिंग में छ न भाई. यता के खोल्नु पर्यो?